जी के साथ किया है ना, रब ना करे कि मेरे मुंह से बहनी के लिए कोई बद्दुआ निकल जाए उसके बदले। बेहतरी इसी में है कि आप भी चुप हो जाओ, मेरे भी चुप रहने दो। ये लोग आए, दरवाजा खुला। अरे वो डालो क्या, डालो क्या है, डालो क्या है, मेरा मेरा निकल जाओ इस घर से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहां, ना ही तुम्हें इस घर में तो जगह मिलेगी। एक और बेटे, आप जो है ना मैडम, आप ये थोड़ा सा रो रही होगी ना, एक के बाद ही रेडी रेडी रोल देखिए क्या घर क्या दे रहे। निकल जा इस घर से। मैं वो नहीं यार, मेरा पेपर देना। अरविंद उस रोड ऑफ कर, सीटिंग निकालो, सीटिंग निकाल। मैडम हल्का हल्का ना डिस्टेंस रखो, चेक कर लो। सॉफ्ट करना चाहिए, मैं आगे लेना चाहिए, सॉफ्ट कर दो, सॉफ्ट कर दे। शॉर्ट भी कौन चप्पल छोड़ के जाता है, तेरी साइकिल लुक आगे रखी थी वो की नजर आ गई तिवारी। फेस दिख रहा है ना तिवारी, प्लीज ले लो ना।
कुछ नहीं ब्लैक दिख रहा है। चलो पीछे आओ रोमन। लाइट सॉफ्ट है ना? जल्दी हो जाओ अभी के। रोल। अभी हटा लो बाहर हटा। जा चली जाए यहाँ से। दादी, दादी ऐसे मत करो ना, प्लीज दादी मैं कहाँ जाऊंगी, रब दवाल से मैं इतना ही रहने दो, दादी मैं कोने में चुपचाप पड़ी रहूंगी, प्लीज दादी, दादी प्लीज। दफा हो जाओ, ले जाओ इसको। दादी, मम्मी जी, दादी प्लीज, दादी। हाँ ये लेके जा रहा है मेरे को। जो उधर हुआ ना वो सीक्वेंस था कि जो मेरी सासू मैं उनको एक ड्रीम आता है, ड्रीम सीक्वेंस था वो कि दादी मुझे घर से निकाल रहे हैं बाहर, तो वो जस्ट एक ड्रीम सीक्वेंस था। ड्रीम सीक्वेंस को अभी मतलब विजुलाइज करने की क्या जरूरत है, मतलब क्या इम्पोर्टेंट आगे कुछ ऐसा होने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा उनका फॉरेन गया है एक मैरिज के बाद ही, तो एकदम से उनको मतलब होता है ना, जैसे मेन चीज जो हम दिखा रहे हैं कि NRIs जो है वो चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आते अपने ब्राइडल को लेने, तो वही उनके दिमाग में भी था कि मेरा बेटा बाकी लड़कों की तरह ना निकले, वो आए बानी को लेकर जरूर जाए, नहीं तो घर में तो रखेंगे ही नहीं, वो अगर बेटा ही नहीं है तो बहू को क्या करेंगे, तो वो वैसे ही उनके दिमाग में वो ख्याल आया और जस्ट वो ड्रीम सीक्वेंस था। मैंने लिखा था कि पंजाबी कम्युनिटीज में क्या होता है NRI की काफी डिमांड है लड़कों की, तो ये जो सीक्वेंस होगा तो एक मैसेज देगा क्या NRI कम्युनिटी की जो शादी होती है करते हैं कि वेल रिसर्च करके या वेल प्लान की समझ के शादी करें लड़कों से NRI लड़कों से? ये तो आप सीरियल देखोगे आपको वैसे ही बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। हाँ तब भी मैं ये जरूर कहूंगी कि मतलब जरूरी नहीं है NRI से, किसी भी लड़के से अगर आप अपनी बेटी की शादी करवा दो तो उसकी फुल इन्फॉर्मेशन फुल इंक्वायरी करके फिर ही भेजिए, बगैर किसी इंक्वायरी के कि बेटा वो लड़का क्या करता है क्या नहीं करता, फैमिली कैसी है कैसी नहीं है, अपनी बेटी भेज दोगे तो मतलब लाइफ तो खराब हो ही जाएगी अगर उसको लाइफ पार्टनर उसका अच्छा नहीं मिलता तो। नहीं रज्जी प्यार नहीं करती है, रज्जी का प्यार बिल्कुल भी नहीं है सोहम, रज्जी ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अब उसकी शादी हो चुकी है, जो लड़कियां करती हैं कि शादी हो गई अब यही सब कुछ है, तो वो चीज उसको बुरी लग रही है क्योंकि सोहम एक टाइम पे रज्जी के पास ही आता था मेरे लिए, रज्जी थी जो मुझे और सोहम को मिलवाना चाहती थी, तो सोहम एक टाइम पे रज्जी के पास ही आता था कि बानी से बात करवाओ कि ऐसे ऐसे मैं बानी से प्यार करता हूँ, सोहम ने पहली बार भी अपने मुंह से रज्जी को ही बोला था कि वो बानी से प्यार करता है, तो वो चीज कहीं ना कहीं मतलब रज्जी को पता है हर चीज, रज्जी को पता है, तो वो चीज कहीं ना कहीं रज्जी को पिंच भी नहीं कर रही है, पर ये है कि जो सोहम उससे बहुत अच्छे से बात करता था, बातें शेयर करता था, वो ही सोहम उसको इतना हर्ट कर रहा है, उससे बात नहीं कर रहा, उसको दोष पे दोष लगा रहा है, उसको वो चीज पिंच कर रही है उसको, क्योंकि शादी से पहले तो रज्जी को भी पता था कि सोहम बानी से ही प्यार करता है। तो सोहम की वजह से आपके और रज्जी में जो रिलेशनशिप है वो कोई खराब नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं होगा, हमारी बहनें हम शुरू से बेस्ट फ्रेंड हैं और आगे भी बेस्ट फ्रेंड ही रहेंगे। कुछ ऐसा सरप्राइजिंग देखने को मिलेगा दर्शकों को अभी आगे के सीजन में? बहुत मिलेगा, आगे बहुत ट्विस्ट है, आप देखिए इससे भी ज्यादा मजेदार चीजें आने वाली हैं, तो आप जरूर देखिए।